सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ऑप्शंस के अंदर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। सो पूरा का पूरा वीडियो होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइज, इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके सबसे फर्स्ट जो लिंक होगा वो आपको टेलीग्राम का ही मिल जाएगा। तो उस पर मैं बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। उसके साथ साथ आपको नीचे में फायर्स के अंदर अकाउंट खोलना तो फायर्स का आपको लिंक मिल जाएगा। फायर्स में ऑप्शंस के लिए इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि फायर्स बहुत ज़्यादा इजी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और इसमें आपको 30 डे चैलेंज भी मिल जाता है जहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी रिफंड हो जाता है अगर आप 30 डे प्रॉफिटेबल रहते हो। तो आप फायर्स में जाकर के अकाउंट खोल सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फायर्स में आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो नीचे और भी डीमेट अकाउंट है, आप इन सभी में जाकर के अकाउंट खोल सकते हो। सो गाइज, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे कमेंट करके बोला था, पूछा था मुझसे कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है ऑप्शंस के अंदर। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और होप आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, नॉलेज इससे मिलेगा। तो चलो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखो, अभी हम लोग बात करेंगे कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस के अंदर कि आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में डिफरेंस क्या है। देखो, स्टॉप लॉस जो होता है, मान लो आप कोई भी ऑप्शन है वो आप 200 रुपये का खरीद रहे हो, आपने सोचा कि इस पर 150 रुपये का आप स्टॉप लॉस डाल रहे हो, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और आपका जो टारगेट है वो मिनिमम 300 रुपये का है, तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंस हो गया। इसका जो बीच का डिफरेंस है वो 100 रुपये का हो गया। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ये स्टॉप लॉस तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका एक इंश्योरेंस का पार्ट है कि आप यहाँ से मिनिमम 50 रुपये से ज़्यादा आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम जो पॉइंट्स में आपका जो रिस्क आ रहा है वो 50 का रहा है। अगर मान लो कि जो स्टॉक अभी 200 में चल रहा है, ये जो ऑप्शन का प्राइस था वो 200 में, अभी ये 250 प्लस जाता है, तो अब आपको यहाँ पे है कि अब मुझे यहाँ से लॉस नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का काम आएगा क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब मान लो स्टॉक, ये जो ऑप्शंस का प्राइस है ये 250 प्लस चला गया, तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस को 150 से हटा करके 200 पे रख दोगे। तो यहाँ से आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा। अगर आप ब्रोकरेज को हटा दो, मतलब ब्रोकरेज को इसमें ना जोड़ो, तो आपने स्टॉप लॉस को चेंज करके 200 पे रख दिया, मतलब आपका बाई प्राइस भी 200 रुपये था। अब आपका अगर मान लो प्राइस नीचे भी आ जाता है, 200 पे जाने 250 पे जाने के बाद प्राइस नीचे भी आ जाता है, तो 200 पे अपने आप वो एग्जिट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। पहले हमारा 150 का स्टॉप लॉस था, जो हमारा यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस जो था 150 का था, फिर हमने इसको 200 कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अपने रिस्क को कम कर लिया। जो 50 पॉइंट का हम लोगों का यहाँ पे रिस्क था, उस रिस्क को कम कर लिया। तो सिंपली ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके बाद मान लो कि जो सेम स्टॉक है वो 280 प्लस चला गया, तब आप लोगों ने आपने क्या सोचा कि अभी आपने तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 200 पे रख दिया, अब आपको 200 से ऊपर आप बढ़ा करके इसको मान लो कि 230 पे रख दोगे, तो आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। अब आपको यहाँ पे मिनिमम जो आपको प्रॉफिट होगा वो 30 पॉइंट का होगा। 30 पॉइंट का आपका मिनिमम यहाँ से प्रॉफिट होगा इनटू आपका जितना लॉट का साइज होगा। तो ये हो गया बेसिक सा कि स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग क्या होता है, आपको थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया। अब इसका देखो बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। जैसे कि अगर आप ऑप्शंस के अंदर बात करो तो बहुत लोग क्या करते हैं कि स्विंग पे करते हैं, बहुत लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं क्या यूज़ करता हूँ मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ और जानना जरूरी है कि देखो, जैसे मान लो ये बगल वाले चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इंडेक्स का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये आपको देखो यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट दिख रहा है, तो इंडेक्स के चार्ट के बेसिस पे भी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो आपका दोनों, जो आपका जो ऑप्शंस का चार्ट होगा और जो इंडेक्स का चार्ट होगा, दोनों में एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम फ्रेम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टाइम फ्रेम चेंज होता है तो फिर ये सही से काम नहीं करेगा। तो जैसे कि मैं अभी आपको दोनों का टाइम फ्रेम 5 मिनट पर आपको करके दिखाता हूँ। तो इस वाले को हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं, ऑप्शंस के चार्ट को भी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर देते हैं। अभी देखो हमारे पास 39,100 का पुट लगा हुआ है, तो देखो ऑप्शंस का चार्ट लगा हुआ है, फायर्स में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, आप इजिली सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। तो देखो गाइस, अभी मान लो कि मैं अभी लास्ट डे का ही बात करता हूँ, तो प्राइस जो था, प्राइस यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल समवेयर यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखो गाइस, सो गाइस देखो, अभी अगर आपको यहाँ पे चार्ट पे इंडेक्स के चार्ट को देख करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, तो इंडेक्स के चार्ट पे जहाँ भी आपका जो स्विंग आ रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे पुट को लगाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मान लो कि सेल किया, इस एरिया पे मैंने सेल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने इस एरिया पे यहाँ पे बाई किया, ठीक है। इंडेक्स में मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं ऑप्शन बायर की तरह आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बाई किया, सो यहाँ पे मेरा बाई हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने क्या किया, इनिशियली मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे था। तो जैसे मैं यहाँ पे प्राइस पे आपको दिखाता हूँ, इस पे लो के थोड़ा नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मैं कभी भी फिक्स नहीं, जैसे मान लो 238 का यहाँ पे प्राइस आ रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस जो लगाता हूँ उसको मैं थोड़ा 10 पॉइंट नीचे लगाता हूँ, मतलब 228 का लगाता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर वॉलेटिलिटी होता है।
और टाइम डिके भी होता है, तो ऑप्शन जितना जल्दी बढ़ता नहीं उससे ज़्यादा जल्दी प्राइस गिरता है। तो मैंने यहाँ पे मान लो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जा करके इसको लगा दिया, मैंने यहाँ पे चार्ट पे जा करके स्टॉप लॉस लगा दिया। मेरा बाई था, बाई प्राइस क्या था, मेरा बाई प्राइस यहाँ पे था, तो इस कैंडल के ऊपर मेरा बाई प्राइस था 270 पे, बाई प्राइस था, मैंने स्टॉप लॉस लगाया इसके 10 पॉइंट, स्विंग के 10 पॉइंट नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो समवेयर मान लो कि हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा दिए। अभी क्या है, यहाँ से जो मेरा मेरा जो पर्सनल चीज होता है ना, मैं यहाँ से स्विंग बाय स्विंग इसको जाकर के करता हूँ। मान लो कि अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल, आपको एक रेड कैंडल दिखा, यहाँ के बाद एक ये बना, इसके बाद एक रेड कैंडल, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मान लो मेरा यहाँ पे टोटल जो रिस्क आ रहा है इन दोनों के बीच, अगर आप यहाँ पे रिस्क देखोगे तो रिस्क आपका मान लो 40 पॉइंट का आ रहा है, तो जब भी प्राइस 270 पे मैंने खरीदा है, 310 प्लस, मतलब 270 प्लस 40, 310 प्लस जब भी जाएगा प्राइस, मैं क्या करूंगा अपने रिस्क को ट्रेल करते जाऊंगा। मतलब मिनिमम 1:1 मुझे चाहिए, उसके बाद ही मैं जा करके ट्रेल करूंगा। ट्रेलिंग इतना इजी नहीं होता है ऑप्शंस के अंदर, और मार्केट जिस दिन हाईली वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो आप मिनिमम आप एक रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर के चलो कि मिनिमम अगर आपका 1:1 जाता है तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए यही है कि सबसे पहले मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। अगर मान लो 310 प्लस, यहाँ पे जो कैंडल आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी प्राइस 310, यहाँ पे देखो इस वाले कैंडल पे 310 प्लस पे यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे समवेयर यहाँ पे 310 प्लस पे चला गया। तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टॉप लॉस को मैं आप कॉस्ट पे लगा दूंगा, कॉस्ट पे यहाँ पे मैं कॉस्ट पे लगा दूंगा, उसके बाद मैं वापस से ट्रेलिंग चलूंगा। उसका देखो प्राइस यहाँ पे जाने के बाद, प्राइस ऊपर जाने के बाद, प्राइस थोड़ा नीचे गया है, पुल बैक लिया, फिर प्राइस ऊपर गया। अभी देखो 310 जब भी ये क्रॉस कर रहा है, वह प्रीवियस जो स्विंग है, प्रीवियस स्विंग को जब भी ये क्रॉस कर रहा है, मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस से इसके जो लो सबसे लोएस्ट जो स्विंग है, जो मतलब जो सबसे पास में स्विंग है, जैसे यहाँ पे इस स्विंग का, जैसे यहाँ पे क्रॉस मतलब प्राइस यहाँ से क्रॉस किया, मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा दूंगा, इस स्विंग के नीचे लगा दूंगा। तो मैं स्विंग बाई स्विंग जा करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, क्योंकि देखो स्विंग पे आपको जा करके लगाना बहुत जरूरी है। अभी जैसे यहाँ पे जो जो एग्जाम्पल आपको चल रहा है, यहाँ पे जो स्विंग आ रहा है, देखो स्विंग पे प्राइस देखो 280 आ रहा है, लेकिन मैं 280 पे नहीं लगाऊंगा, मैं 275 पे लगाऊंगा, 5 पॉइंट नीचे रखाऊंगा, क्योंकि स्विंग पे बहुत जल्दी प्राइस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो होगा क्या कि मान लो प्राइस थोड़ा सा भी नीचे पुल बैक लेगा तो ये स्विंग के नीचे इजिली प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 275-77 के आसपास जाकर के यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद मैं वापस से ट्रेल करूंगा। उसके बाद मुझे एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, ठीक है। जब भी प्राइस इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, यहाँ पे जो रेड कैंडल का ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा अपना, मेरा जो स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, मैं इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का यही होता है, मैं ऐसे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, और बहुत बार मुझे बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट भी मिला, लेकिन बहुत बार मुझे यहाँ पे लॉस भी हुआ है। तो देखो लॉस इन द सेंस में कि मतलब मेरा 40 पॉइंट का, यहाँ पे मान लो कि मेरा 40 पॉइंट का जाकर के स्टॉप लॉस है, तो मैंने ट्रेल करके 20 पॉइंट पे कर दिया, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, तो फिर 20 रुपया बच गया, तो ये इंश्योरेंस होता है स्टॉप लॉस। लेकिन जब भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप काम करते हो, जैसे मैं ऑप्शंस में मोस्ट ऑफ द टाइम, अब मैं पहले 5 मिनट पे करता था, लेकिन अब मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या करता हूँ, एक अच्छा सा एक स्विंग ढूंढता हूँ। जैसे कि एक स्विंग आपको देखो, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्विंग क्या मिला, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्विंग है, ये अगर आपको एक स्विंग मिल गया, उसके बाद प्राइस देखोगे कि कहाँ पे जा करके एक और स्विंग बनाया है, तो प्राइस देखो कि यहाँ से पैराबोलिक यहाँ पे मूव आया है, यहाँ पे वापस से एक जा करके एक स्विंग आपको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक स्विंग बना है। तो जब भी प्राइस इस वाले स्विंग को क्राइस यहाँ से ऊपर से प्राइस इसको क्रॉस करेगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दूंगा। फिर उसके बाद प्राइस देखो, प्राइस ऊपर जाने थोड़ा नीचे पुल बैक लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ से जब भी प्राइस फिर स्विंग को क्रॉस कर रहा है, मैं इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो मैं सेम ऐसे ही करता हूँ, फिर इसको जब भी क्रॉस करेगा मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रीड और फियर बहुत ज़्यादा काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो आपको मार्केट के अंदर ग्रीडी नहीं होना है। अगर आप ज़्यादा ग्रीड होते हैं, मान लो मिनिमम आपको टारगेट है कि मिनिमम 1:1.5 या फिर मिनिमम 1:1.5 या 2 आपको चाहिए, आपको 1:2 मिल गया है, तो यहाँ से आप देखो या तो आप 50% क्वांटिटी को बुक कर लो, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरे क्वांटिटी को छोड़ देना है ऑप्शंस के अंदर, और आपको देखना है कि अरे 1:5 हो जाएगा, यहाँ से 1:10 मैं लेकर के जाऊँगा, तो आपको ये नहीं करना है। ग्रीडी कभी भी नहीं होना है, आपको एक फिक्स मतलब आपको एक सेटअप चाहिए यहाँ पे कि हाँ मैं इस चीज़ को फिक्स कर रहा हूँ, मुझे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट जा करके लेना है। तो कभी भी ग्रीडी मत होना ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लॉस करवा देगा ग्रीडनेस आपका, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो और सारा कुछ। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।